तो बच्चों हैप्पी प्रिंस जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इसमें क्या हुआ है हैप्पी प्रिंस ने अपनी एक आंख में जड़ा हुआ सफायर नीलम भी दान में दे दिया है और किसको दान में दिया है उसने दिया है एक जवान नाटककार को जिसके पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी और जो काफी ज्यादा भूखा था चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ द नेक्स्ट डे द फ्लू डाउन टू द हार्बर अगले दिन स्वालो ने फ्लूडान किया मतलब वो उड़ान भर के नीचे गया कहाँ पर हार्बर पर बंदरगाह पर ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल यहाँ पे लार्ज वेसल का मतलब क्या है बच्चों देखिए लार्ज वेसल का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा सा बर्तन वो मतलब नहीं है यहाँ पे लार्ज वेसल का मतलब है एक बहुत बड़ा जहाज़ तो सोलो बैठ गया मास्ट पर मस्तूल पर एक बहुत बड़े वेसल की यानी कि बहुत बड़े जहाज़ की एंड वॉश्ड और देखने लगा द सेल्स नाविकों को वर्किंग काम करते हुए आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सॉलो तो सोलो ने फिर से क्या बोला उसने कहा मैं इजिप्ट जा रहा हूँ बट नो बडी माइंडेड किसी ने भी माइंड नहीं किया आपत्ति नहीं की ध्यान नहीं दिया जब सोलो ने यह बात बोली थी एंड वेन द मून रोज और जब चांद उगा ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस वो उड़ के फिर से गया हैप्पी प्रिंस के पास आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय तो क्या बोला उसने सोलो ने बोला मैं तुम्हें बिड करने आया हूँ कहने आया हूँ गुड बाय सोलो सोलो लिटिल सोलो अब ये सोलो सोलो लिटिल सोलो कौन बोलता है वो हैप्पी प्रिंस ही तो बोलता है ना बच्चों लेकिन वो हैप्पी प्रिंस ने इस तरीके से क्या आगे बात बोलने वाला है वो जानेंगे पहले मीनिंग याद कर लेते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा फ्लू डाउन का मतलब होता है नीचे उड़ान भरी हार्बर यानी कि बंदरगाह मास्ट होता है मस्तूल वॉस्ट यानि की देखा सेलर्स होते हैं नाविक माइंडेड यानी कि आपत्ति करना और बिड मतलब कहना अब कहने तो आया था सवालो कि भाई मैं जा रहा हूँ इजिप्ट लेकिन अब हैप्पी प्रिंस ने अपनी ही बात शुरू की है और क्या बोलने लगा है वो सोलो सोलो लिटिल सोलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन मोर वन नाइट लॉन्गर क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रह सकते इट इज़ विंटर आंसर द सवालो सॉलो ने उत्तर दिया कि अब सर्दियाँ हैं एंड द स्नो विल सून बी हीयर और बहुत जल्द स्नो भी होने लगेगी इन इजिप्ट द सन इज बॉम और द ग्रीन पाम ट्रीज इजिप्ट के अंदर सूरज गर्म है उस हरे पाम के पेड़ों पर एंड द क्रोकोडाइल्स और जो मगरमच हैं लाई इन द मड वो लेटे हुए हैं मड में कीचड़ में एंड लुक लेजीली अबाउट दैम और वो बहुत ज़्यादा आलसी लग रहे हैं इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस पर हैप्पी प्रिंस ने बाकी तो बात सुनी नहीं अपनी ही बात बोलनी शुरू की और क्या बात बोली इन द स्क्वायर बिलो चौक में जो नीचे जो चौक है वहाँ पर देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल वहाँ पर खड़ी हुई है एक छोटी सी मैच गर्ल मैच गर्ल यानी कि मैचगर्ल होती है वो बच्ची जो मैच बेचती है शी हैज़ लेट हर हैचिस फॉल इन टू द गटर उसके जो मैच है जो माचिस है वो गटर में गिर गई है नाली में गिर गई है यहाँ पे कौन कौन सी मीनिंग है बच्चों तीन ही मीनिंग है यहाँ पे कौन से तीन मीनिंग क्रोकोडाई यानी कि मगरमच स्क्वायर यानी कि चौक गटर क्या होता है नाली तो वो जो छोटी सी बच्ची है उसकी जो सारी मैच है सारी जो माचेस हैं वो गिर गई हैं नाली में गटर में एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड और अब वो सब स्पॉइल हो चुकी हैं बिगड़ गई हैं कौन बिगड़ गई हैं बच्चों माचिस क्यों बिगड़ गई है अगर माचिस को गीले पानी में डाल दो या गीले जगह पे डाल दो तो वो ख़राब हो जाती है ना इसी कारण से क्योंकि वो माचिस गिर गई थी गटर में नाली में इस कारण से वो अब ख़राब हो गई हैं बिगड़ गई हैं हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी उस बच्ची के पिता बीट करेंगे मारेंगे या फिर पीटेंगे उसे अगर वो नहीं लेके आई घर कुछ पैसे सम मनी यानी कि कुछ पैसे एंड इज क्राइंग और वो रो रही है शी हैज़ नो शूज़ और stockings. उसके पास जूते भी नहीं हैं और stockings भी नहीं है Stockings यानी कि मोजे मोजे भी नहीं हैं एंड हर लिटल हैड इज़ बैर और उसका जो सर है वो बैर है बैर है का मतलब क्या है उधड़ा हुआ है उघड़ा हुआ है का मतलब क्या होता है बच्चों उघड़ा हुए का मतलब है कि अगर सर्दियों में आपने सर पे कुछ नहीं पहना तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई उघड़ा हुआ है प्लकआउट माई अदर आए मेरी जो दूसरी आँख है उसको भी निकाल दो एंड गिव इट टू हर और उस बच्ची को दे दो एंड हर फादर विल नॉट बीट हर और तब उसके पिता उसको नहीं मारेंगे आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गस्ट एट द सोलो सोलो ने क्या बोला मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन तुम काफी अंधे हो जाओगे ब्लाइंड हो जाओगे मतलब अंधे हो जाओगे तो यहाँ पे हमने पढ़े कि स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ जाना बीट यानी कि पीटना स्टॉकिंग्स होती हैं जुराब या फिर मोजे बैर बैर मतलब उघड़ा हुआ प्लक यानी कि उखड़ना ब्लाइंड यानी कि अंधा तो क्या बोल रहा है सॉलो कि भई मैं उस तुम्हारे पास रुक जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा वरना तुम अंधे हो जाओगे सोलो सोलो लिटिल सोलो सेट द प्रिंस फिर प्रिंस ने फिर बोला सोलो सोलो लिटिल सॉलो डू एज आई कमांड यू वही करो जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई तो इसी कारण से सोलो ने क्या किया प्लग आउट कर लिया निकाल दिया उस प्रिंस की दूसरी आँख को भी इट और नीचे की ओर उसने उड़ान भरी उस सफायर को उस नीलम को अपनी चोच में भरे हुए ही swooped पास द मैच गर्ल वो झूल कर उतरा उस लड़की के पास एंड स्लिप्ड और उसने डाल दिया द ज्वेल उस रत्न को यहाँ पे ज्वेल क्या है रत्न उस रत्न को इन द पाम ऑफ हर हैंड अब उस बच्ची के हाथ की हथेली पर लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल तो उस बच्ची ने क्या बोला कितना सुंदर ये कांच है एंड शी रैन होम लाफिंग और वो घर भाग गई लाफिंग हंसते हुए देन द केम यू आर ब्लाइंड नाउ वापस आया प्रिंस के बाद और क्या बोला कि अब तुम अंधे हो चुके हो तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों हमने जाना कि कमांड होता है आदेश स्वूप यानी कि झूल कर उतरना स्लिप यानी कि डालना पाम यानी कि हथेली और लाफ्ट यानी कि हंसते हुए तो क्या बोल रहा है सोलो कि भाई अब तुम अंधे हो गए हो हैप्पी प्रिंस को बोल रहा है ना वो सो so, इसलिए आई विद यूल यानी हमेशा तो इस कारण से मैं अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा नो लिटिल स्वलो सेट द पुअर प्रिंस तो वो बेचारा प्रिंस क्या बोला कि नहीं सोलो यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेट द स्वलो पर फिर भी इस ने क्या बोला नहीं मैं तुम्हारे पास ऑलवेज हमेशा रहूँगा एंड ही स्लेप्ट और फिर वो सो गया एट द प्रिंसेस फीट उस प्रिंस के पैरों पर तो यहाँ पे हमने कौन सा मीनिंग पढ़ा है बच्चों हमने जाना कि स्लेप्ट का मतलब होता है सो गया सो जाना तो क्या हुआ है भाई अब ये जो हैप्पी प्रिंस है वो अंधा हो गया है और सोलो दिल का इतना अच्छा है उसका हृदय परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो अपने मतलब के लिए इजिप्ट जाने की बजाय रुक गया है हमेशा के लिए हैप्पी प्रिंस के साथ अब आगे कहानी में क्या होगा और क्या होगा हैप्पी प्रिंस और का जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में